आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, पॉलीथीन से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ धन आवेशित हो जाती है। देखो, पॉलीथीन एक अपनी पॉलीथीन हो गई है और उसके बाद एक अपना हो गया है यहाँ पर प्लास्टिक की छड़, है ना। इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में रगड़ा, पॉलीथीन को और प्लास्टिक की छड़ को। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस पॉलीथीन से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ धन आवेशित हो जाती है, यानी कि उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आवेश का प्रवाह किस किस चीज़ में हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। अगर उनमें आवेश का प्रवाह हो सकता है तो फिर इसका जो आवेश होगा वो इसमें पहुँच जाएगा। लेकिन जो पॉलीथीन होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि उसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। अब प्लास्टिक की छड़, हमने रगड़ा काय को है, पॉलीथीन को है, ठीक है। काय से रगड़ा है, प्लास्टिक की छड़ से। लेकिन जब पॉलीथीन में आवेश का प्रवाह ही नहीं है तो फिर इसका आवेश इसमें कैसे जा सकता है, फिर चाहे वो कोई सा भी आवेश, धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो, जब इसमें आवेश है ही नहीं तो फिर जाएगा कहाँ से। इसीलिए ये जो हमें कथन दिया है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है कि प्लास्टिक पॉलीथीन से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ धन आवेशित हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।